सत्ता में आने से रोकने के लिए हमारी पार्टी ने तो सपा सरकार में हमारी पार्टी ने यूपी में सपा सरकार में 2 जून 1995 की हुई घटना जिसमें इनका मेरी हत्या करने का पूरा षड्यंत्र था, लेकिन कमजोर व उपेक्षित वर्गों की कृपा से ये पार्टी उस समय अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो सकी। इसके साथ ही इन्होंने उस समय अपनी सरकार को बचाने के लिए बीएसपी के विधायकों के साथ की गई मारपीट व उनका किया गया अपहरण आदि ये सब किसी से छिपा नहीं है। लेकिन फिर इनकी ऐसा करने से हुआ क्या बाद में, लेकिन फिर इनकी इस गुंडागर्दी से इनकी सरकार चली गई थी और बीएसपी की फिर सरकार बन गई थी। किंतु इसे कभी भी ना भुलाने वाली घटना को भी भुलाते हुए हमारी पार्टी ने देश में खासकर संकीर्ण ताकतों को कमजोर करने के लिए सपा के साथ गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ा था, जिसमें इनके परिवार की आपसी लड़ाई की वजह से इनको इस चुनाव में इस बने गठबंधन का ज़्यादा लाभ नहीं मिल सका। ये बात किसी से छिपी नहीं है। और फिर ये चुनाव खत्म होने के बाद इन्होंने मेरे कई बार टेलीफोन करने के बावजूद भी कोई जवाब लौटकर मुझे नहीं दिया। तब फिर हमें मजबूरी में इनसे अलग होकर चलने का फैसला लेना पड़ा। इसके साथ साथ आज यह मैं इस बात को भी फिर से इसके साथ साथ आज यहाँ मैं इस बात का भी फिर से खुलासा कर देना चाहती हूँ कि जब इस बार सपा के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी का इनके साथ गठबंधन हुआ, तो तब फिर हमारी पार्टी यहाँ पूरे जी जान से इस गठबंधन को जिताने में लग गई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सपा के मुखिया गठबंधन होने के पहले दिन से ही श्री एस सी मिश्रा जी को अक्सर ये कहते रहे कि अब तो सपा व बसपा का गठबंधन हो गया है, तो ऐसे में अब बहन जी को 2 जून के मामले को भुला के इस केस को वापस ले लेना चाहिए। आप बहन जी से इस बारे में जरूर बात करें। तब फिर ये केस चुनाव के दौरान ही हमें वापस भी लेना पड़ा। लेकिन चुनाव का नतीजा आने के बाद जो इनका रवैया हमारी पार्टी ने देखा है, तो उससे हमें काफ़ी कुछ यही लगा कि हमने चुनाव के दौरान 2 जून 1995 के केस को वापस लेकर बहुत बड़ी गलती की है। साथ ही इनके साथ ना ही कोई चुनावी गठबंधन आदि भी करना चाहिए था, ये भी हमने थोड़ा गलत फैसला ले लिया जल्दबाजी में। हालांकि इसको आप जल्दबाजी नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा हम डीपली यदि सोचते तो शायद हम ये डिसीजन नहीं लेते। लेकिन हमने ये सोचा कि ये 2 जून की घटना को हमने किनारे करते हुए तो हमने देश और जनहित में सांप्रदायिक ताकतों को या संकीर्ण ताकतों को कमज़ोर करने के लिए हमने यूपी में ये फैसला लिया। इसके बाद इनका जो रवैया था, तो ये तो आपको मैंने बताया 2 जून 1995 वाले मामले को, तो उस समय भी इनका दलित विरोधी रवैया था। तो और चुनाव पे ध्यान देने के बजाय केस वापस लेने के लिए मिश्रा जी को कहते रहे कि बहन जी को बोलो केस वापस ले लें, लेकिन ये भी सब हो गया। इसके बाद इनका एक और दलित विरोधी चेहरा हमें कल राज्यसभा के पर्चों के जांच के दौरान भी देखने के लिए मिला है, जिसमें इनको सफलता नहीं मिलने पर
खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे की तरह अब ये पार्टी जबरदस्ती बीएसपी पर बीजेपी के साथ सांठगांठ करके ये चुनाव लड़ने का गलत आरोप लगा रही है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जबकि इस मामले में सच्चाई तो ये है, जो आज मैं मीडिया के माध्यम से खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को और पूरे देशवासियों को ये बताना चाहती हूँ कि जबकि इस मामले में सच्चाई तो ये है कि जब यहाँ उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए अधिसूचना जारी हुई, जिसके तहत सबसे पहले वह अकेले ही श्री राम गोपाल यादव ने सपा की ओर से अपना पर्चा दाखिल किया, तो तब फिर इसके बाद श्री मिश्रा जी ने मुझसे ये कहा कि बहन जी, सपा ने अपना केवल एक ही पर्चा दाखिल कराया है, ऐसा लगता है कि शायद ये अपना दूसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में फिर हमें अपना भी उम्मीदवार जरूर खड़ा कर देना चाहिए, वरना फिर कोई ना कोई बड़ा पूंजीपति हमारे भी विधायकों की खरीद फरोख्त करके ये चुनाव जीत जाएगा। और इस संबंध में यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि राज्यसभा के लिए अपना प्रत्याशी उतारने से पूर्व बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से टेलीफोन पर बात करनी चाहिए, उन्होंने खुद मिलाया, टेलीफोन पर बात करनी चाहिए, परंतु जब उनका फोन नहीं उठा, बैल जा रही थी, लेकिन जब उनका फोन नहीं उठा तब फिर इन्होंने इनके प्राइवेट सेक्रेटरी से भी फोन में बात की और कहा कि वो उनकी बात श्री अखिलेश से करा दें, जिस पर उनको जवाब में कहा गया बात करा दी जाएगी, किंतु बात नहीं कराई गई। इसके पश्चात फिर श्री मिश्रा जी ने श्री राम गोपाल यादव से फोन पर बात की और पूछा क्या समाजवादी पार्टी दो सीटों पर नामांकन करेगी या सिर्फ एक सीट पर। इस पर श्री राम गोपाल ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक ही सीट पर ये चुनाव लड़ेगी। श्री मिश्रा जी ने उन्हें ये भी बताया कि अगर समाजवादी पार्टी एक ही सीट पर ये चुनाव लड़ती है तो तब फिर ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी अपना एक प्रत्याशी चुनाव में जरूर उतारेगी, वरना 10वीं सीट पर बीजेपी अपना प्रत्याशी अवश्य उतार देगी और फिर 9वीं सीट जीतने के लिए उनके पास पर्याप्त वोट ना होने पर भी वो चुनाव जीत जाएंगे, इनका एक सपा का जीतने के बाद। जबकि दूसरी तरफ सारी विरोधी पार्टियों के वोट जोड़े जाएं तो बीजेपी के वोटों से कहीं अधिक होते हैं। इस वार्ता के बाद तब फिर बीएसपी ने उत्तर प्रदेश के ही लखीमपुर खीरी जिले के मूल निवासी श्री रामजी गौतम को, जो दलित वर्ग से आते हैं, जिनको राजस्थान प्रदेश की वर्तमान कांग्रेसी सरकार के चलते हुए वहाँ इनके नेतृत्व में बीएसपी के बढ़ते हुए जनाधार से दुखी होकर फिर इनको वहाँ से भगाने व इनका मनोबल गिराने के खास उद्देश्य से, जो इनके साथ षड्यंत्र के तहत जिस प्रकार से बुरा बर्ताव किया गया था, जो कदापि भुलाया नहीं जा सकता है, जिससे कांग्रेस पार्टी की भी इस दलित विरोधी हरकत से पूरे देश के दलित समाज के लोग काफ़ी आक्रोशित हुए, इनको फिर इनकी पार्टी के प्रति समर्पण व ईमानदारी आदि को खास ध्यान में रखकर इस चुनाव में पार्टी ने खड़ा करने का फैसला लिया। परंतु कांग्रेस की तरह सपा ने भी अपनी दलित विरोधी मानसिकता के तहत अपनी इस बात से कि हम दूसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, उससे मुकरते हुए बीएसपी के इस उम्मीदवार का विरोध करने के लिए एक षड्यंत्रकारी चाल के चलते हुए नामांकन के आखिरी कुछ ही मिनटों में या घंटों में कुछ ही मिनटों में एक निर्दलीय उम्मीदवार को पर्चा भरवाने का काम किया और उसके पश्चात दिनांक 28/10/2022
20 को नामांकन पर्चे की जांच के समय बहुजन समाज पार्टी के 4 विधायकों की खरीद फरोख्त करके उनसे ये झूठा हलफनामा दिलवाया कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के नामांकन पत्र में अपने हस्ताक्षर नहीं किए थे, जबकि इन सभी विधायकों ने दिनांक 26/10/2020 को श्री रामजी गौतम के नामांकन पत्र में हस्ताक्षर किए थे और पर्चा दाखिले के समय में भी वे स्वयं मौजूद थे। और फिर जांच उपरांत इन विधायकों का ये कथन असत्य एवं झूठा पाया गया तथा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा सही पाया गया, वैध पाया गया। और फिर समाजवादी पार्टी द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार का भराया गया पर्चा कई गंभीर त्रुटियों की वजह से खारिज हो गया। अर्थात इनको हराने के लिए सपा ने, हमारे कैंडिडेट को हराने के लिए सपा ने अपने विधायकों के समर्थन से एक उद्योगपति से पर्चा दाखिल करा दिया। और फिर आम चर्चा के मुताबिक जिनके धन से वह आगे टिकट देने के लालच से मीडिया के अनुसार बीएसपी के इनको मिलाकर 7 विधायकों को तोड़ा गया, जिसमें फिर भी इन्हें इस उद्योगपति को राज्यसभा में भेजने के लिए सफलता नहीं मिल पाई। और अब इससे दुखी होकर ये पार्टी बीएसपी पर बीजेपी के साथ सांठगांठ करके ये चुनाव जीतने का गलत व बेबुनियाद जबरदस्ती के आरोप लगा रही है। किंतु इनकी ये घिनौनी हरकत अब इस पार्टी को आगे चलकर कभी भी भारी पड़ सकती है। और इस मामले में आज हमारी पार्टी एडवांस में ही ये ऐलान कर देना चाहती है कि आगे चलकर जल्दी ही इस बार जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे, क्योंकि इसके बाद एमएलसी के होंगे, आगे चलकर जल्दी ही इस बार जब यहाँ जल्दी मतलब समय से, अब समय कम रह गया, इस बार जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे तो तब फिर बीएसपी कल की घटना का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए, एक तो उनका आराम से बन जाएगा, दूसरा ही खड़ा करेंगे, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है। और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व न किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों ना देना पड़ जाए तो भी देंगे। अर्थात जो भी पार्टी इनके दूसरे उम्मीदवार को, यानी कि सपा के दूसरे उम्मीदवार को हराने के लिए भारी पड़ेगी तो उसे हम अपने विधायकों का वोट जरूर दिलाएंगे। अर्थात सपा के दूसरे उम्मीदवार को अब हमारी पार्टी जरूर एमएलसी का चुनाव हराएगी। जबकि इस मामले में यूपी के लोगों को ये मालूम है, शायद इसे नहीं मालूम है तो इसको भी मैं आज बता देना चाहती हूँ, सपा के मुखिया को अखिलेश को ये मैं बता देना चाहती हूँ, जबकि इस मामले में यूपी के लोगों को ये मालूम है और सपा के मुखिया को भी ये मालूम होना चाहिए कि सन 2003 में इन्होंने बीएसपी के, जब मैंने खुद गवर्नमेंट छोड़ दी थी तो उसके बाद सन 2003 में इन्होंने बीएसपी के, यानी कि सपा ने बीएसपी के 38 एमएलए तोड़कर अपनी सरकार बना ली थी। उसके बाद फिर क्या हुआ सन 2003 के बाद? उसके बाद सन 2007 में विधानसभा के हुए आम चुनाव में इनको फिर प्रदेश की जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया और फिर बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तब इनके पिताजी ने ये गलत कार्य किया था, इनके पिता श्री ने ये गलत कार्य किया था और अब उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर तो ये भी ये गलत कार्य कर रहे हैं और अब इनका भी अपने पिता श्री की तरह ही बुरा हाल होने वाला है अगले ये जो इस बार विधानसभा का आम चुनाव होगा, तथा बीएसपी फिर से अब पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आसीन हो जाएगी।
तो जैसे सन 2007 में वैसे ही पहले भी इनके पिता ने गलत काम किया और अभी भी, जबकि उस समय सन 2003 में मान्यवर श्री कांशीराम जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। हमारे विधायक इनके पिता श्री ने तोड़े 38 और अपनी सरकार बना ली तोड़फोड़ करके। और इतना ही नहीं, मान्यवर श्री कांशीराम जी के छोटे भाई को, उनकी बहनों को खरीद फरोख्त करके पार्टी बनवाई, यूपी में उनकी मीटिंगें करवाई और उसके लिए श्री आर के चौधरी को अधिकृत किया, पंजाब में जाना, इधर जाना, केस लड़ना, क्या नहीं कुछ किया, लेकिन हुआ क्या, जनता देख रही थी। और सन 2007 में तो फिर बीएसपी पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आई और समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और अब इनका भी यही हाल होने वाला है। इतना ही नहीं, बल्कि मीडिया के मुताबिक बीएसपी के जिन 7 विधायकों ने सपा द्वारा निर्दलीय के रूप में खड़े किए गए एक उद्योगपति को उनके धन व सपा के टिकट के लालच में आकर जिस अपनी मूल पार्टी बीएसपी से चुनकर गए थे उसके साथ विश्वासघात किया और अब उन्हें पार्टी विरोधी ऐसे जो जिन्होंने विश्वासघात किया अब उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण आज तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया गया है, जिनके नाम चौधरी असलम अली, श्री हर गोविंद भार्गव, मोहम्मद मुस्तफ़ा सिद्दीकी, श्री हाकिम लाल बिंद, मोहम्मद असलम रायनी, श्रीमती सुषमा पटेल व श्रीमती वंदना सिंह है। इसके साथ साथ इनके बारे में पार्टी के सभी पदाधिकारियों को ये भी निर्देशित किया गया है, ये जो 7 विधायक हैं तो इनके बारे में पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, छोटे बड़े पदाधिकारियों को ये भी निर्देशित किया गया है कि आज से अब इन विधायकों को पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा। साथ ही इन सभी को ये भी सूचित किया जाता है कि इनके दूसरी पार्टी में जाते ही इन सभी विधायकों के विरुद्ध दल बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता, इनके सूचित किया जाता है कि इनके दूसरी पार्टी में जाते ही इन सभी विधायकों के विरुद्ध दल बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता खत्म करने की कार्रवाई तुरंत की जाएगी और या अन्य और भी कोई कारण रहा जिसमें दल बदल कानून का ये उल्लंघन करते हैं, चाहे वो शामिल हो जाए या नहीं भी हो, दल बदल कानून का उल्लंघन करते हैं तो तब भी इनके खिलाफ इस कानून के तहत बीएसपी द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी तथा भविष्य में अब इन्हें, ये जो 7 विधायक है, तथा भविष्य में अब इन्हें बीएसपी से कभी भी कोई भी चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। इसके साथ ही जिस जाति समाज व धर्म के ये विधायक हैं तो उनकी जाति व समाज व धर्म के लोगों को ही अधिकांश उनके विरुद्ध में चुनाव में उतारा जाएगा, इनके विरोध में चुनाव में उतारा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ मैं इन विधायकों के मामले में इनके समाज के लोगों को ये भी कहना चाहूँगी कि जिस भी जाति समाज व धर्म के ये विधायक हैं तो इनके पार्टी विरोधी कार्यों की सजा इनकी समूची जाति समाज व धर्म के लोगों को नहीं दी जाएगी, बल्कि उन्हें पार्टी में अभी तक की तरह ही आगे भी हर स्तर पर पूरा पूरा मौका व आदर सम्मान भी दिया जाएगा। खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को आगे भी बढ़ावा देने में पार्टी द्वारा कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी, चाहे खासकर कांग्रेस व सपा आदि के लोग इनको बीएसपी से अलग करने के लिए कितने भी घिनौने हथकंडे क्यों ना इस्तेमाल करते रहें। और अब मेरा संक्षेप में यही कहना है कि यूपी में इस बार के राज्यसभा चुनाव में भी सपा की घिनौनी बीएसपी विरोधी राजनीति ही नहीं बल्कि इनका घोर दलित विरोधी चेहरा भी खुलकर प्रदेश व देश की जनता के सामने आ गया है, जो कि वास्तव में इनका असली चाल चरित्र व चेहरा भी है। इनका इतिहास भी यही बताता है। वैसे कुदरती तौर पर बीएसपी के साथ ये बहुत ही अच्छा हुआ कि सपा का ये घिनौना रूप एक बार फिर से
या उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के आम चुनाव से पहले ही आ गया है, ताकि लोग मेरे कहने की बजाय खुद ही ये देख लें कि बीएसपी के साथ सपा ने कभी भी ईमानदारी नहीं बरती है, बल्कि हमेशा ही दगा व बाहरी एवं भीतरी विश्वासघाती किया है। इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने बहुजन समाज में समय समय पर, यानी कि सपा ने, श्री अखिलेश यादव ने, इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों को भी आदर सम्मान देने की बजाय उनका हर प्रकार से अनादरी किया है, जिसमें उनके नाम पर बने खासकर नए जिलों व यूनिवर्सिटी आदि का नाम बदलना शामिल है। और ये सब ऐसे सामाजिक व राजनीतिक अपराध हैं जिन्हें ना तो कभी भुलाया जा सकता है और ना ही बीएसपी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान से जुड़े लोग कभी भी माफ इन्हें कर सकते हैं। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूं। और आज मैंने कल जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में सही तथ्य मैंने मीडिया के माध्यम से खासकर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखे हैं, पूरे देशवासियों के सामने रखे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल जो इनकी विफलता हुई है, जो इन्होंने दलित विरोधी जो चेहरा इनका सामने नज़र आया है पूरे देश की जनता को, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सन 2007 की तरह जैसे इन्होंने 3 में हमारे 38 विधायक तोड़े, तो सन 2007 में ये साफ हो गए थे। अब इनका फिर से इनकी अब ये इनका भी हालत फिर से ऐसी होने वाली है। हमारी पार्टी के कुछ लोगों को जो निकाले हुए हैं, पार्टी के लोग जो पार्टी विरोधी गतिविधियों से के कारण निकाले हुए हैं, बीएसपी के रिजेक्टेड लोग हैं जिनको निकाला हुआ है, अब काम कुछ बचा नहीं है। उनको आए दिन प्रेस बुलाकर कि ये है फलाना, ये है, इसने बीएसपी छोड़कर सपा ज्वाइन कर ली है, उनके साथ साथ एक दो और दूसरी पार्टियों का नाम ले लेते हैं, तो मेरे ख्याल इनको शायद इतिहास की जानकारी नहीं है। तो जो 38 एमएलए जो इन्होंने तोड़े थे उनका क्या हाल हुआ और इनके पिता श्री का क्या हाल हुआ सन 2007 के चुनाव में, इनको मालूम होना चाहिए। तो इनको लंबी राजनीति यदि करनी है तो ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे राजनीतिक क्षेत्र में इनका इमेज खराब हो, क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति कभी टिकाऊ नहीं होती है। इससे ऊपर उठकर तो इनको एक आइडियोलॉजी के आधार पर, मेरे ख्याल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की ये बार बार बात करते हैं, क्या उनके आदर्शों पे चलते हैं? यदि उनके आदर्शों पर चले तो उन्होंने कभी नहीं बताया कि जो ये हरकतें कर रहे हैं, और ख़ास तौर से वीकर सेक्शन के मामले में दलितों को के साथ जो का जो अपमान कर रहे हैं, जो उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, मेरे ख्याल ये ऐसा कभी उन्होंने नहीं किया था। और इतना ही नहीं, मैं ये भी बताना चाहती हूँ, ये मैंने जो गलत फहमी थी कि भी उन्होंने हमसे बात नहीं की, श्री मिश्रा जी ने खुद कई बार इनको टेलीफोन मिलाया इस दूसरी सीट के बारे में, और जब नहीं उठाया इनके प्राइवेट सेक्रेटरी को बोला। आज मैं मीडिया के माध्यम से यूपी के समूचे ब्राह्मण समाज को ये कहना चाहती हूँ कि माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी, उनका लंबा तजर्बा है, वो टॉप के वकील हैं, राजनीति में भी उनका अच्छा अनुभव है, लेकिन इन्होंने उनसे उनके टेलीफोन को नहीं उठाया, उनसे बात नहीं की, उनके पीए ने बात नहीं कराई। तो ऐसा करके उन्होंने मिश्रा जी का ही अपमान नहीं किया है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज का अपमान किया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ब्राह्मण समाज इसकी सजा तो जब यूपी में विधानसभा का आम चुनाव होगा इनको जरूर देगा, मुझे ये पूरा भरोसा है। तो इसलिए लोगों को इसका असली चेहरा सामने नज़र आ गया। तो जो इधर उधर की बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे, स्टैचू लगा देंगे, मेरे ख्याल सपा सरकार में सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर खराब था, माफिया राज था, गुंडा राज था, और ब्राह्मण समाज दलित को तो ये कुछ समझते ही नहीं थे, दलित और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को और मुस्लिम समाज के लोगों को। और इतना ही नहीं, ब्राह्मण समाज के लोगों का तो इतना बुरा हाल था, आए दिन हत्याएं होती रहती थी,
लेकिन अब वो, क्योंकि वर्तमान बीजेपी की सरकार भी लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, हालत बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन बीजेपी के ऊपर उंगली बीएसपी उठाए तो अच्छा लगता है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीएसपी उंगली उठाए बीजेपी के शासनकाल पे, काम में शासनकाल को लेकर, क्योंकि जब मेरी सरकार थी तो मैंने लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया दिया, अच्छी सरकार दी, कानून द्वारा कानून का राज कायम किया। लेकिन सपा की हुकूमत में क्या हुआ सबको मालूम है, तो गुंडों और बदमाशों का रास्ता तो ये दूसरों को सलाह दे, मैं सलाह दूं तो लोग मानेंगे, लेकिन सपा की गवर्नमेंट में कितना बुरा हाल था ये किसी से छिपा नहीं है। गुंडों और बदमाशों का रास्ता, माफियाओं का रास्ता, तो मेरे ख्याल इसलिए तो ये बौखलाए हुए हैं सपा के लोग, और ये सोचने कि जोड़ तोड़ करके ये पावर में आ जाएंगे, तो ये इनको अपने पिता श्री से जरूर सीख लेना चाहिए। इस बात को मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ, अंत में इसका जो रिजल्ट आता वो खराब आता है। तो मेरे ख्याल, और जो ये गलत फहमी पैदा कर रहे थे कि भाई हमने किसी के दबाव में आकर ऐसा किया, ऐसा नहीं, हमने इनको पूरा मौका दिया था। सही बात तो ये है कि हम तो ये सोच रहे थे कि ये श्री राम गोपाल को खड़ा कर रहे हैं तो शायद ये अपनी औरत को खड़ा करेंगे, अपनी वाइफ को, वो चुनाव हार गई थी। मैंने मिश्रा जी को यही कहा कि देखो वो चुनाव हार गई थी, यदि वो अपनी औरत को लाते हैं दूसरा कैंडिडेट बनाकर, तो फिर हमें अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहिए, उनको जिताना चाहिए। ये हमने फैसला ले लिया था, हमने पार्टी के अंदर हम लोग सोच रहे थे कि नहीं उनको जिताना चाहिए, तो लेकिन उन्होंने तो टेलीफोन ही नहीं उठाया। मिश्रा जी का नहीं, पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान किया। और जब ये लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, जब मैंने सोचा कि भी चलो जो भी कुछ रिजल्ट आ गया है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, हिम्मत और हौसले से मायूस होकर घर नहीं बैठना चाहिए, मैंने इनको समझाया। फिर इनसे मैंने बातचीत भी की, मतलब बातचीत करने के लिए कई बार टेलीफोन मिलाया, लेकिन उन्होंने बातचीत नहीं की। ऐसे थोड़ी ना राजनीति चलती है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि ये जो गलत किस्म का प्रचार करके तो ये बीएसपी को की ये छवि को खराब करना चाहे, मेरे ख्याल उत्तर प्रदेश की जनता इन सारी बातों को समझती है। तो जो कुछ भी कल घटनाक्रम हुआ है तो मेरे ख्याल सही तथ्य हैं, तो मैंने मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता के सामने रखे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता बिल्कुल भी इनके जो ये गलत प्रचार कर रहे हैं इनके बहकावे में नहीं आएगी। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर, बागी विधायकों को निष्कासित कर दिया गया है। बागी विधायकों पर बीएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भरी हुंकार, एमएलसी चुनाव में लूंगी बदला भले बीजेपी को सपोर्ट करना पड़ जाए। बड़ी खबर, बागी विधायकों पर बीएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 7 बागी विधायकों को निष्कासित करने की बात कही।